वेन यू आर सेपरेटेड, या आपकी डिवोर्स हो जाती है और आप स्पाउस वीजे के ऊपर हैं, या आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने, दोनों में से किसी ने आपके साथ चीट किया है, या आपकी ऐसी सिचुएशन है, या आपका जो रिलेशनशिप है वो अब कंटिन्यू नहीं है, सो यू मस्ट इन्फॉर्म टू द होम ऑफिस, तो आप अपनी सारी जो सिचुएशन है आप होम ऑफिस को बता सकते हैं. सो उसमें होता क्या है कि योर वीजा इज बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप, इफ यू हैव अ परमिशन टू स्टे इन द यूके फॉर अ लिमिटेड टाइम जो है, एज अ डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर यूके वीजा और एज अ स्पाउस और पार्टनर वीजा ऑन अ फैमिली वीजा, ये होता है. योर वीजा मे ऑल्सो भी बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप इफ यू हैव अ फैमिली परमिट. ये उसमें थोड़ा सा और सिनेरियो आ जाता है, हाउ टू टेल द होम ऑफिस आता है, तो उसमें होता है कि जी आप उनको रब्ता कीजिए, इज ऑलवेज एडवाइजेबल के डू दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन थ्रू अ लॉयर, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं आपके सारे सिचुएशन को. तो नॉर्मल जो आप ईमेल पे या कंप्लेन फाइल करते हैं अपने स्पाउस के खिलाफ, सम टाइम उसमें आप अपनी उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे नहीं पाते. ऑफिस दे नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन, दे नीड टू नो योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स हैं उनको चाहिए होती है, पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है. अगर होम ऑफिस का ऑब्वियसली BRP कार्ड जो बना होता है उसके ऊपर नंबर एक होते हैं, डिटेल्स वो आपने उनको भेजनी होती है. फिर आपने अपनी डिटेल्स जो है उसमें वो लिखनी होती है कि जी के क्या हुआ था, कैसे स्पाउस वीजा लिया, उसके बाद क्या सिचुएशन आई, तो ऑब्वियसली क्या रीजंस हैं, क्या आप अब सेपरेट हो चुके हैं, कोर्ट के थ्रू सेपरेट हुए हैं, या आप किसी और तरीके से सेपरेट हुए हैं, या आप डिवोर्स ले चुके हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है आपको उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. एंड यू आर नॉट लिविंग टुगेदर, और अगर उसमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं, अगर उसमें कोई पुलिस इन्वॉल्व थी, या उसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है आप उनको प्रोवाइड करनी चाहिए. हाउ मच टाइम दे स्पेंड विद यू एंड विद योर एक्स पार्टनर, अगर आप कितना अर्सा साथ में इकट्ठे रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, डिटेल्स ऑफ ए फैमिली कोर्ट केसेस इफ यू आर इन्वॉल्व. अगर आप कोई उसमें सोशल चाइल्ड वर्कर जो है वो इन्वॉल्व हैं तो उसकी भी आप डिटेल्स लिखिए. अगर पुलिस इन्वॉल्व है डोमेस्टिक वायलेंस केस में तो वो भी आप इंफॉर्मेशन दीजिए. देयर इज अ टू मोर थिंग्स जो होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. नंबर वन इज अ पब्लिक स्टेटमेंट, राइट. द पब्लिक स्टेटमेंट मीन इफ यू डू नॉट वॉन्ट द होम ऑफिस टू टेल योर एक्स पार्टनर एंड डिटेल्स फ्रॉम योर, तो फिर जो है वो आपको पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो साइन करनी पड़ती है होम ऑफिस को, कहने के लिए कि प्लीज डोंट टेल टू एनीबॉडी एल्स, राइट. और एक होता है कंसेंट फॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि उनको पता चले, तो उसी भी तो कहते हो ना कि ऐसे बदला लेना है, पता भी लगे ना कि मैं तेरा वीजा कैंसिल कराने लगा. सो उसमें यह है कि फिर वो कंसेंट फॉर्म के आप लिखते हैं, इफ़ यू आर हैप्पी फॉर अ होम ऑफिस टू टेल योर एक्स पार्टनर डिटेल्स के, फिर वो होम ऑफिस जो है वो उनको इन्फॉर्म करता है, आप यू आर नॉट लिविंग टुगेदर, आपकी डिवोर्स हो चुकी है, आप सेपरेट हो चुकी हैं, सो योर वीजा वाज बेस्ड ऑन योर स्पाउस, या आपकी मैरिज के ऊपर आपका वीजा था, सो अब आप टुगेदर नहीं है, तो उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन जो है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. कुछ